अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों एक पूरे एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता बहुत गर्म रहा है, एक हफ्ते के बाद आज मौसम कुछ बेहतर हुआ। मतलब कि बेहतरी क्या आई, थोड़ी सी हवा चल रही है आज, आज हबस नहीं है, आज हवा चल रही है, आज इतनी गर्मी भी नहीं लग रही। दोस्तों कल के व्लॉग में क्या किया था, कल के व्लॉग में हमने अपने इस कॉकटेल पैड को नेशनल मटीरियल प्रोवाइड किया था, और उसके बाद मैंने कुछ देर देखता भी रहा हूँ कि ये इनका क्या सीन होता है, कुछ अंदर जाते भी, इनको पसंद आता भी है कि नहीं आता। लेकिन दोस्तों अभी तक कल से मैंने इनको नहीं देखा वहाँ जाते हुए, लेकिन अब अभी देखें वो सामने ऊपर गई है, अल्लाह करे ये अंदर जाए। लेकिन हमारे कौन से दूसरे बजिस पैरट्स हैं दोस्तों, ये लाजमी गए हैं, अंदर भी गए हैं, बाहर भी गए हैं, सारा मुआयना करके आए हैं। दोस्तों ये बजी हमारी ऐसी मखलूक है जिनको जो चीज भी यहाँ पे कोई नहीं प्रोवाइड कर दो ना, इन्होंने ना उनके जायजे जरूर लेने होते हैं, तो ये सारे इनके जायजे लिए हैं इसने, कॉकटेल पैरट ने बेशक ना लिए हो। अभी भी देखें ये पैरट सामने बैठा हुआ है, अभी मैं आया तो पैरट साइड पे उठ के गए हैं, वरना ये यहाँ से ना अंदर नेस्टिंग मटीरियल निकाल रहे थे। अभी हमारी कौन सी कॉकटेल फीमेल अब ऊपर बैठी हुई है और हमारा मेल नीचे बैठा हुआ है, और उम्मीद है दोस्तों ये बहुत जल्द कौन सा है इसको ये केज पसंद आ जाएगा, ये नेस्ट पसंद आ जाएगा, फिर दोस्तों ये यहाँ पर ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों आज भी हमारा बहुत ही मेन काम है, वो मेन काम क्या है, वो ही दोस्तों जो एक हफ्ते पहले मैंने आपसे कहा था कि हम अपने पैरट्स को एक हफ्ते बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, एक हफ्ते इनको आज़ादी है, एक हफ्ते के बाद हम चेक करेंगे इनकी मटकियाँ, फिर देखेंगे कि इनका क्या रिजल्ट निकलता है। एक हफ्ते से भी दोस्तों ज़्यादा ही हो गया है कि मैंने इनकी मटकियाँ चेक नहीं की, आपको इतना इस तरह लेके आते ही नहीं हूँ, खुद भी नहीं आता, दाना पानी डाल देता हूँ। एक हफ्ता मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया। दोस्तों आज कौन सा हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो आज क्या करना है दोस्तों, हमने इनकी मटकियाँ चेक करनी है और देखना है हमारे बजिस पैरट्स ने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए, तो आज ये चेक करना है। मटकी उधर जाने से पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, अभी तो हमारे कौन से पैरट्स हैं ना वो सारे अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, देखिए एक वहाँ पर फीमेल है, एक वहाँ पर फीमेल है, एक इसके अंदर भी फीमेल है, तो उम्मीद है दोस्तों उन्होंने ब्रीड की होगी। तो यहाँ चेक करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपने इन परिंदों को भी खोल लेते हैं, लेकिन दोस्तों एहतियात लाजमी करनी, कल भी क्या हुआ था व्लॉग बनाते बनाते क्या हुआ था, हमारे कौन सा पिगन है ना, एक वो रेसिंग कबूतर जो हमारा था उसको बिल्ली ने पकड़ लिया था, फिर भाग के मैं गया था, उसको बचाया था कि व्लॉग के अंदर ही। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से देख लेते हैं कोई बिल्ली वगैरह तो नहीं बैठी, तो उसको भगा देते हैं पहले ही। देखें ये सो रही है, ये सो रही है, इसको भगाते हैं, डराते हैं, अच्छे वाला डराते हैं, इसमें ना फिर जाना, ये कल वाली वो ही बिल्ली है दोस्तों जो ना जिसने हमारा पिगन पकड़ा है, तो ये देखिए पिगन आराम से सो रही है, देखिए वो भाग गई है। इनकी यार ये ही काम है, कल भी यही बिल्ली थी जो पकड़ के ले गई थी, तो इन बिल्ली ने बड़ा तंग किया हुआ, इन बिल्लियों को पकड़ना यार, ये पकड़ में आती नहीं है, इतनी तेज है, पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आती, तो इनका कुछ ना कुछ हल निकालना ही पड़ना है यार। कोई आपके पास कोई है मुझे बताइएगा कि यार इस तरीके से आप बिल्ली पकड़ सकते हैं इजीली, तो मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा यार, बिल्लियों ने बहुत तंग किया और बिल्लियों को लाजमी पकड़ना है। अभी क्या करते हैं दोस्तों, अपने कबूतरों को खोल देते हैं ताकि ये फिर लेंगे, यहाँ पर घूम फिर लेंगे, हम अपना काम फिर बाद में कर लेंगे। चलो भाई आ जाओ, ये दरवाज़ा भी खोल दिया दोस्तों, ये दरवाज़ा भी इनके लिए खोल देते हैं, ताकि जिस तरह से उन्होंने निकलना होगा खुद ही निकल आएंगे। माशाल्लाह से बड़ी स्पीड है यार हमारे, ये बेवफा कबूतर इतनी स्पीड मारता है, खोलने की देर होती है, अंदर से उड़ के आते हैं ऐसे सीधा, ये भी और वो भी, इन दो पैरों को सबसे ज़्यादा जल्दी होती है। ये वही दो पैर हैं दोस्तों, एक ये बेवफा कबूतर, एक वो पैर जिन्होंने दोस्तों ब्रीड की थी, लेकिन इन्होंने अंडे दिए थे लेकिन इन्होंने बच्चे नहीं निकाले, और ये कौन सा हमारा शिराजी है दोस्तों, ये अभी अंडों पर बैठे हुए हैं, वो फीमेल है दोस्तों और ये मेल है, ये भी अंडों पर बैठे लेकिन अभी इन्होंने बच्चे नहीं निकाले, ठीक है। ये हमारा भी आ गया दूसरा शिराजी, एक वो शिराजी फिर है, ठीक है, और अंदर बाकी हैं, तो उनको भी निकालते हैं यार, वो तो निकलते ही नहीं है, पता नहीं इनका सीन क्या है। चलो भाई निकलो, आ जाओ, चलो 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 चलो। और दोस्तों हमारा लाल बबरा कौन सा ना, उसके पन्नी पर टेढ़ा, कल उसको मुर्गी ने मारा था तो उसका ना पर टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, दूसरे वाला ना देखिए वो कंधा उसका ना लटका हुआ है,
तो ये इसको पन्नी किया हुआ है, वो देखो ना पर इसने लटकाया हुआ है एक साइड से। तो ये इसको कल काली मुर्गी ने मारा जिसकी वजह से इन्हें पर लटकाया हुआ है। और ये दोस्तों वो कबूतर है जिसको दोस्तों कल बिल्ली ने पकड़ लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, कुछ उसको हुआ नहीं है, तो ये अच्छी बात है दोस्तों। अभी मुर्गियाँ नहीं खोलते क्योंकि दोस्तों मैं अंदर गया ना तो मुर्गे ने बाहर आना और आपस में लड़ने लग जाना है। तो दोस्तों ये मैं नहीं चाहता, इससे क्या होता है दोस्तों अपनी नोक ख़राब कर लेते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने अब जाते हैं मास्टर केज के अंदर और वहाँ पर चेक करते हैं कि मटकियाँ, उसके बाद आके मुर्गियों खोलेंगे। अभी चलते हैं दोस्तों मास्टर केज के अंदर, दुआ कीजिएगा हमें दोस्तों गुड न्यूज़ मिले तो आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद तो है दोस्तों सब ने ब्रीड की होगी। ये देखें तो आ गया हूं मैं मास्टर केज के अंदर। बस दोस्तों दिल तक तक कर रहा, दुआ कर रहा कि दोस्तों कि आज अंडे लाजमी हमें मिल जाए, कुछ खुशी की बात मिल जाए सुबह टाइम, हमारा दिन अब बहुत अच्छा हो जाएगा कसम से यार। क्योंकि मैं इनके बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ कि ये दोस्तों कब अंडे इंतजार करेंगे। अब चेक करते हैं, देखते हैं इनका क्या रिजल्ट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले इस मटकी से। ठीक है, पहले यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ पर तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक मटकी खाली दोस्तों, और तेरी दूसरी मटकी भी खाली है दोस्तों, यहाँ भी नहीं है। दिल दाग का कर रहा, दो डोली दोस्तों मैंने कर ली है, तीसरी डोली ये रही, इसमें देखते हैं फीमेल है दोस्तों, ये अंडा देने के लिए बैठी हुई है, एक है यहाँ पर माशाल्लाह से, एक मटकी में दोस्तों हमारी फीमेल है, उम्मीद है वो अंडा देगी इंशाल्लाह ताला। अब एक दो तीन दोस्तों चेक हो गई है, अब इसकी बारी है चेक करने की, इसमें देखते हैं या अल्लाह कोई ना कोई चीज हो जाए। ओह यार इसमें भी कोई चीज नहीं है अभी तो, हाँ इसमें भी कोई चीज नहीं है दोस्तों पांच जोड़ियां चेक कर ली है, अभी तक कोई सीन नहीं मिला, दो रह गई हैं, एक और ये दो, दुआ कीजिएगा इनमें कुछ ना कुछ हमें मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसको बाद में करते हैं, पहले करते हैं इसको, ये खाली लग भी रही है, ये भी खाली है। अब दोस्तों ये लास्ट जोड़ी है, दुआ करें अंडा हो दोस्तों इसके अंदर, दुआ करो दोस्तों। चेक करते हैं दोस्तों, माशाल्लाह से दो अंडे, देखें दो अंडे दोस्तों माशाल्लाह से दोस्तों आज की गुड न्यूज मिल गई है, दो अंडे हैं, एक डोली के अंदर, छह डोलियां खाली हैं, लेकिन एक के अंदर हमारी फीमेल बैठी है, उम्मीद है दोस्तों वो भी अंडा देगी, लेकिन हमारी कौन सी ये डोली है, इसके अंदर दोस्तों दो अंडे हैं, मैं तो बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह से, देखे दो अंडे हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये है किस पेयर के वो मैं आपको बताता हूँ, ये है दोस्तों हमारा यहाँ पर पेयर बैठा होगा, वो ऊपर बैठा होगा, वो देखिए माशाल्लाह से, ये दोस्तों इस पेयर के अंडे हैं, क्योंकि ये पेयर ही आ जाता है, वो फीमेल है येलो वाली और इसका मेल कहाँ गया, ये मेल यहाँ ये सामने आके बैठा है। ठीक है, वो देखिए अब वो बराबर बैठ गए, तो ये इनका अंडा है। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारे एक जोड़ा तो दोस्तों ब्रीड करने स्टार्ट कर दिया फीमेल दोस्तों, इस अंदर बैठी, मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखें दोस्तों एक ने स्टार्ट कर दिया, दूसरी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट कर देगी अंडे देने, और बाकी पेड़ भी हमारे, ये देखिए ये फीमेल बाहर आ गई है, ये जोड़ा लगा था, ये फीमेल बैठी हुई थी। अब उम्मीद है दोस्तों बहुत जल्द इसके अंदर भी अंडे होंगे, हमारी एक जोड़ी ने अंडे देने स्टार्ट कर दिए, दूसरी जोड़ी भी स्टार्ट कर देगी, और तीसरी जोड़ी हमारी दोस्तों वो है, एक वो पैरट है नीले वाला, और उसकी ये कौन सी सामने है, ये फीमेल है सबज वाली। ठीक है, तो आज दोस्तों गुड न्यूज मिल गई है, आज का दिन हो गया हमारी, हफ्ते की जो सबर थी वो ठीक हो गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, आप बाहर चलते हैं, बाहर जाके मैं आपको मेन बात बताता हूँ, अभी चलते हैं दोस्तों बाहर। हाँ आज का दिन दोस्तों इंशाल्लाह हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। क्या एक मेन बात है दोस्तों, जब आप ना पैरट्स के अंडे चेक करते हो ना कि इन्हें दिए नहीं दिए, कुछ पैरट ऐसे होते हैं वो अपने अंडे उठा के उसके बाहर फेंक देते हैं, तो ये आपने लाजमी
देखना करना है कि आपके पैरेट अंडे उठा के बाहर ना फेंके। आपने जब भी अपने अंडे चेक करने हैं तो आपने हमेशा कैमरे के जरिए चेक करने हैं, वैसे खुद ऊपर उठ के देखेंगे तो वो उनको पता लग जाएगा तो वो तोड़ देंगे, कैमरे से इतना महसूस नहीं होता। तो मैंने कैमरे चेक किया, उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा, हमारे पैरेट अंडे उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे। लेकिन आज ही दोस्तों हमें गुड न्यूज़ मिल गई है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसमें से बच्चे निकले। अभी दो ही अंडे हुए हैं, अभी ये और अंडे देगी उसके बाद फिर बच्चे निकालेगी, ये 14 दिन बाद बच्चे भी निकाल देती है। और उम्मीद है कि दोस्तों हमारे दूसरे पेड़ भी अंडे देंगे बहुत जल्द। और अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारे गुड न्यूज़ तो मिल गई है, ठीक है दोस्तों, जिसका हमें वेट था बड़ी बेसब्री से, इनको भी अब बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये भी फिर रहे हैं। बाकी हमारा एक और पेड़ था, एक वो पेड़ है, दो एक वो चेयर के पीछे है, यहीं कल भी यहीं पे बिल्ली आई थी, बिल्ली देखते फिर तो नहीं है, यहाँ पे बिल्ली नहीं है, नहीं है, भगा दिया था लेकिन नहीं है अभी। हाँ ठीक है, देखें वो कबूतर उड़े हैं सामने हमारे, यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें वहाँ पर देखें कबूतर ही कबूतर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत लोगों ने कबूतर उठ रखे हुए हैं, हमारे पास भी अभी कबूतर हैं लेकिन दोस्तों बहुत कम है, लेकिन हैं तो सही ना दोस्तों। अब क्या करते हैं दोस्तों, अपनी मुर्गियाँ भी खोल देते हैं यार, इनको भी खोलना ज़रूरी है, ये भी बाहर आएंगी घूम फिर लेंगे। चलो भाई आ जाओ बाहर, चलो 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 चलो। हमारा चूज़ा देखें माशाल्लाह से अकेला यार, इसका भी साथी तलाश कर रहे हैं, उम्मीद है हमें बहुत जल्द मिल जाएगा। और उम्मीद है हमारा ये पेड़ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लग जाएगा, उम्मीद तो बहुत है। अब देखते हैं ये कब तक लगता है हमारा ये पेड़, ये देखें माशाल्लाह से देखे हमारा। मुझे ना अपने मुर्गे के दोस्तों कलर बहुत पसंद है, माशाल्लाह से बहुत प्यारे कलर हैं, और छोटा सा साइज़ है इसका, और बहुत ही मसीला है, और बहुत ही ना प्यारी प्यारी चू 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 तेज़ी के साथ बोलता रहता है। उम्मीद है बहुत जल्द इसका पेड़ लग जाएगा मुर्गे के साथ, ये देखिए इनको क्या होगा मस्ती, सवेरे सवेरे ये इनकी मस्ती होती है, अभी से लगा नहीं होगा, मुर्गा साथ साथ फिरता रहेगा इसके। और दूसरा मुर्गा दोस्तों हमारा वो बंदा, वो भी कहता है यार मुझे निकालो मुझे निकालो, उसको आई थी ना दोस्तों जेलसी हो रही थी, क्योंकि दोस्तों पहले जो मुर्गी थी ना वो उस मुर्गे से लगी हुई थी, अब क्या है वो मुर्गी लगी हुई है हमारे इस मुर्गे के साथ, तो वो बहुत हद तक मुझे निकाला, जब इसको निकालता हूँ ना ऐसे यहाँ से भागता और उधर ही चला जाता है, तो इसलिए इसको मैं खोलता नहीं हूँ, ठीक है। और दोस्तों शायद ना आज या कल ये हमारे सेटअप से चला जाए, इंशाल्लाह ताला ये चला जाएगा, ये दे आएंगे, हालांकि भाई को देना है क्योंकि उसकी शॉप है, वो कहता है मैं सेल करवा दूंगा उससे, जिससे मैंने लिया था उसकी शॉप पे देना है, तो वहाँ से वो इंशाल्लाह किसी को पसंद आ जाएगा और वो ले जाएगा, क्योंकि दोस्तों महंगाई बहुत हो चुकी है, यहाँ पर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो ये दे देंगे उनको। उसने भाई ने कहा था दोनों लेके आना, लेकिन एक एक करके देंगे, पहले ये हमारे पास रहेगा। तो हमारा एक ये मुर्गा कौन सा है, ये तकरीबन आज तो नहीं कल भी नहीं शायद शाम तक ना कल परसों तक इसको मैं दे आऊँ, पहले ये जाएगा, जब ये सेल हो जाएगा फिर दोस्तों उसके बाद अगर मूड बना फिर ये भी दे के आएंगे और फिर लेंगे कोई और अच्छा सा मुर्गा, क्योंकि यार ये थोड़े से मैं ना महंगे ले बैठूँ, ठीक है, तो इसलिए हो रहा है कि यार ये उसी रेट पे निकल जाए तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा, फिर कोई और मुर्गा लेंगे अच्छा सा, ठीक है, ब्रीडर उसको देख के जो उसकी हाइट भी बड़ी हो, लेकिन इसकी ये है तो सबसे अच्छा, लेकिन इसका दोस्तों मोहरा यानी मैं इसका साइज़ छोटा है, तो बड़े साइज़ पर लेंगे, इतना साइज़ होता है ना इस मुर्गे का तो बहुत अच्छा था, बहुत बेहतर था, लेकिन अब नहीं है, तो ठीक है अब देखते हैं कौन सा सेल होता है और कौन सा जाता है, जाना दोनों ने है पहले, लेकिन इसने हमारे सेटअप से जाना है इंशाल्लाह ताला, उसके बाद देखेंगे इसको क्या करना है, ठीक है। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी गुड न्यूज़ मुझे मिल गई है, रोज़ रोज़ हमें बैड न्यूज़ मिलती जा रही थी, लेकिन आज हमें गुड न्यूज़ मिली है बहुत दिनों के बाद, और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने अंडे स्टार्ट कर दिए, और आगे भी स्टार्ट करते रखेंगे, और हमारे दूसरे बर्ड भी अंडे देंगे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों बस दुआ कीजिएगा वैसे ही गुड न्यूज़ चलती रहे। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो भेजी आसानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।